क्या आप लोग जानते हो कि ट्रेन के डब्बों पे ये येलो लाइंस और ये स्काई ब्लू लाइंस क्यों होती हैं? और क्या आपको पता है कि ये ट्रेन के बॉक्सेस पे 04052WCR नंबर क्यों होता है? ये हर ट्रेन पे होता ही होता है। और आप क्या सोचोगे अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ शादी करना भी इलीगल होता तो क्या होता? हाँ, ये पूरे दुनिया में बैंड है सिवाय फ्रांस को छोड़कर। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति की शादी तय पहले ही हो चुकी है उसके मरने से पहले, तो मरने के बाद भी वो शादी कर सकता है, ऐसा होता है फ्रांस में। इस वीडियो में आप अमेजिंग फैक्ट्स का भंडारा बांटने वाला हूँ मैं। नंबर वन, दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो ज़्यादातर रात को ही रोना पसंद करते हैं, क्योंकि रोने के बाद सो जाना बहुत हेल्प करता है हमारे जितने भी अंदर हमारे इमोशन हैं उनको कंट्रोल करने में। अगर रोना है तो रात को ही रोना आप लोग। नंबर टू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर आपका ड्रीम की कीमत आप तभी समझ पाओगे जब आप मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखना बंद कर दोगे। क्योंकि अगर प्यासे को पानी पीना है तो अगर उससे कुआं 1000 किलोमीटर भी दूर भी जाना पड़े कुएं पे तो वो चला जाएगा, और अगर वो रास्ता पार करने के लिए भी मोटिवेशन ढूंढ रहा है तो समझ जाओ कि उसे प्यास नहीं लग रही है। बात को थोड़ा गौर से समझ लो आप लोग। नंबर थ्री, हमारी याददाश्त सबसे ज़्यादा काम करती है और इफ़िशेंट फोर्स ऑफ वर्क में रहती है सुबह के 8 से 12 बजे तक, और सबसे ज़्यादा वो वीक होती है रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक। और अगर आप जीनियस हो जिसको रात में पढ़ना लिखना पसंद है तो 11 से 12 बजे के बाद ही पढ़ना चाहिए, और वैसे भी उनको शोर कम होता है, जो जीनियस होते हैं शोर कम होने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने किसी भी काम पे। नंबर फोर, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछोगे अगर उसको उस आंसर नहीं देना चाहता या उसे नहीं आता होगा तो वो आपको देखेगा चुपचाप और फिर बातें करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ताकि आपका दिमाग दूसरी बातों में डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देगा। नंबर फाइव, अगर आप 15 मिनट तक हिलते नहीं हो, एक ही जगह पर रहते हो, आप कहीं पर भी हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पक्का नींद आने लगी। और जिसको नींद आती ही नहीं है वो कुछ भी कर ले, लाइक 3 घंटे वो हिले ना 4 घंटे ना हिले, पर उसे नींद नहीं आएगी। ये एक बीमारी भी होती है नींद ना आना भी। नंबर सिक्स, अगर किसी व्यक्ति को हमेशा ट्रैवल करते टाइम विंडो सीट पर बैठने की आदत है तो समझ जाओ कि उसे उस जगह पर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है और वो बाहर का नज़ारा देखते हुए कुछ सोच रहा है, मतलब उसका दिमाग जो है दुगनी तेज़ी से अपना काम कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को ऐसे सीट पे बैठने की, विंडो वाली सीट पे बैठने की आदत होती है। नंबर सेवन, अगर कोई किसी को एक नया पेन देता है तो ट्राई करने के लिए 97% लोग अपना ही नाम लिखते हैं। नंबर एट, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है जब सिर्फ हंसते हो। अब आप चाहे खुश हो या ना हो, अगर आप हंसोगे तो आपका दिमाग सोचेगा कि इसे खुशी का एहसास कराना चाहिए, तो वो आपको और ज़ोर से हंसने को मजबूर करेगा, ऐसा करना चाहिए मे भी। नंबर नाइन, अगर आपको पढ़ाई करते समय गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पेन को कॉपी से घिसते हो, अब चाहे पेजेस फटे या पेन की निब में कुछ हो, लेकिन ये ऐसा ज़रूर होता है और ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। एक रिसर्च ये बताती है कि अगर अपना इंसान किसी चीज़ पे गुस्सा निकाल देता है तो उसका मूड ठीक हो जाता है, और ऐसे ही पढ़ाई करते में आप अगर पेन रफ करके अपनी कॉपी फेंक देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो समझ जाओ आपका मूड ठीक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। नंबर टेन, अगर आप संतरा खाते हो तो ये प्रूफ किया गया है कि ये स्ट्रेस को कम कर देता है, इसलिए डॉक्टर ने किसी काम को शुरू करने से पहले संतरा खाने को रिकमेंड करते हैं। नंबर 11 से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, फैक्ट अच्छे लग रहे हो तो ही लाइक करना, फैक्ट अच्छे नहीं लग रहे हो तो सीधा डिसलाइक मार के चले आना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाना। ट्रेन पे जो दो लाइंस होती हैं, एक येलो कलर की होती है और एक हल्के रंग की होती है। जो येलो वाली होती है वो होती है रिजर्वेशन कराए हुए व्यक्तियों के लिए। अब आप रिजर्वेशन जब करवा देते हो, मतलब ट्रेन पे बैठने से पहले ऑनलाइन उसकी बुकिंग करा देते हैं टिकट्स की, वो रिजर्वेशन है, और उसमें आपको येलो लाइन डब्बे में ही बिठाया जाएगा, बग्गी में बिठाया जाएगा। और अगर आप बिना रिजर्वेशन के जनरल घुसोगे तो वो आपको स्काई ब्लू लाइन यानी ये जनरल वार्ड होता है, ये इन दोनों लाइनों का मतलब ये होता है। और जैसे किसी ट्रेन पर नंबर लिखा है 04052, तो इसका मतलब है शुरुआत के दो लेटर जैसे 04 ये बताते हैं इसका मैन्युफैक्चर डेट, जैसे 04 इज इक्वल टू 2004, और बाकी के तीन नंबर जैसे 052 ये बताते हैं 2004 में 52वें नंबर की ट्रेन बनी थी ये।
ये पूरा मतलब होता है ट्रेन का। और ट्रेन पे अगर आप पत्थर देखते हो तो पत्थर इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन से निकलती है मैग्नीफाइंग रेज, और उन रेज को दबाए रखना और ट्रेन को पटरी पर टिकाए रखने का काम पत्थर ही करते हैं। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो मैं फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ यार लाइक कर देना, और फिर अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ना अच्छी लगे हो तो ऐसे ही चले जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बाय बाय।